पूर्व महाशय विक्रमार्क ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि वह किसानों को और नीचा गिराने का कार्य कर रही है, इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों को छोड़ करके इस बिल को वापस ले। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये बिल सरकार ने एक स्पाइडरमैन की तरह लिया है। स्पाइडरमैन शब्द में इसलिए यूज किया कि वो जड़ी एजेंसीज किसान को झोना और कणक एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेंदे सी, वो इस एजेंसी नू हटा दिता गया। हुण सरकार नू सरकार कहती है कि मैं जिन्ना चाहिए होगा मैं लाऊंगा, बाकी तुसी कारपोरेट्स नाल डील करो, जो उन्नू भा बारा खांदा होगा ले लेगा, नहीं बारा खांदा होगा नहीं लेगा। इहदे नाल किसानां दी हालात जिहड़े है वह बड़े बद तो बदतर हो जाने हैं, और असी उहदा खमियाजा देख रहे हैं। खमियाजा असी ये देखिया कि जिहड़ी सरकार दे मंत्री ये समझा रहे सी कि बड़ा वधिया बिल है, जिस वेले उन्होंने देखा कि किसान इहदे नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं, उन्होंने यूटर्न लिया और बाद चो किसानां दे नाल खड़े हो गए। अज सारी राजनीतिक पार्टियां, पंजाब दी सरकार और बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां भी किसानां दे नाल खड़ियां। साडे इस पंजाब दे सिंगर, पुलिस दे ऑफिसर, ये सब लोग, उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे मां प्यो, ये सब लोग किसानां दे नाल अज खड़े है। मेरा भी वास्ता डायरैक्टली इनडायरैक्टली मेरे काम दा संबंध इस तरह दा कि किसानां दे नाल मेरा वाह रहिंदा है। किसान एदे नाल मर जाएगा। और मैं अज एक वीडियो देख रहा सी कि जिदे विच एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी दे नेता इस बिल नू डिस्कस करते हुए बहुत साल पहले इस नू बहुत माड़ा बिल कह रहे सी, और अज उही लोग इहदी तारीफ भी कर रहे हैं। वोटां दी खातिर असी अपने विचार मिंट दा मिंट बदलते रहने हैं। मेरी बेनती सरकार नू, केंद्र सरकार नू, कि किसानां दे दुख नू समझे और जल्दी तो जल्दी इस बिल नू वापस ले। धन्यवाद।